हेलो फ्रेंड्स, आज मेरे खाने पे है ये, मैंने एक बिरयानी बनाया है और ये पम्पकिन का मैंने बेसन से फ्राई किया है। ये पुटी फिश, हम लोग इसे हमारे यहाँ पे इसे पुटी फिश कहते हैं। और ये मैंने दाल का पकौड़ा बनाया है और ये एक करी है। और मैं खाना स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को एक बात बता देना चाहता हूँ, मैं रोज़ एक्सरसाइज करता हूँ और मैं रोज़ ऐसा भी नहीं खाता हूँ। बहुत ही टेस्टी हुआ है, आप लोग खाते तो समझ जाते। এটা কুমড়ো ভাজা, বেসন দিয়ে ফ্রাই করেছি এটাকে। কুমড়োটা খুবই মিষ্টি,
आप अगर ज़्यादा एक्सरसाइज करते हो तो जो भी हो आप खा सकते हो, खाने के बाद वो हजम हो जाता है। इस पे मैंने दिया है हल्दी और नमक और थोड़ा सा चिली पाउडर, रेड चिली पाउडर दिया है। उसके बाद मैं मस्टर्ड ऑयल में इसको फ्राई किया है। इसको भी मैंने मस्टर्ड ऑयल में फ्राई किया है। मस्टर्ड ऑयल में फ्राई करने से अलग ही इसका स्वाद आता है जो दूसरे ऑयल में नहीं आता है, तो इसलिए मैं मस्टर्ड ऑयल ही यूज़ करता हूँ। और एक बात, मैं फ्रेंड्स मैं रोज 2.5 लीटर वाटर पीता हूँ। मैं ऐसा रोज ऑयली वाला खाना नहीं खाता हूँ, मैं सिर्फ दाल और राइस ही पकाता हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे अकेला रहता हूँ, तो खाना बनाना मुझे इतना अच्छा नहीं लगता है। अकेला रहता हूँ तो अच्छा नहीं लगता है।
फ्रेंड्स, मेरी राइस ख़त्म हो गया है, इसलिए मैं अभी ये सब नहीं खा सकता। तो मैं इसको मैं डिनर पे खाऊंगा, तो मैं यहाँ पे रख देता हूँ। ये राइस नहीं ख़त्म होता तो मैं ज़रूर खा लेता। आप लोग नाराज़ मत होइए।